Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agricultural Entomology. Today we are going to discuss about insect pest of red gram and their management. Red gram, that means pigeon pea, अरहर, उसी को हम हिंदी में अरहर के नाम से जानते हैं. साइंटिफिक नाम कैज, बोटनिकल नेम है उसका कैजनस के जान, फैमिली लेग्योमिनेसी. गाइस, रेड ग्राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्सेस क्रॉप. हम सभी इसका दाल के रूप में सेवन करते हैं. पूरे वर्ल्ड में इसका सेवन किया जाता है. गाइस, जो अरहर है वो कई इंसेक्ट्स के से कई इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अरहर पे अटैक करते हैं. बहुत सारे पेस्ट हैं जैसे कि पोर्ट बोरर, स्पॉटेड पोर्ट बोरर, पोर्ट फ्लाई, प्लूम मोथ, पोर्ट बग और स्टेम बग एट्सेट्रा. ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि अरहर पे अटैक करते हैं, जिसमें से कुछ जो मेन इंसेक्ट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं. गाइस, फर्स्ट है ग्राम पोर्ट बोरर. ग्राम पोर्ट बोरर हेलिकोर्पा आर्मेजेरा फैमिली नेक्टोडी ऑर्डर लेप्टोप्टेरा के मेंबर हैं. और ये जो ग्राम पोर्ट बोरर है ये पॉलीफेगस पेस्ट है. सिर्फ ग्राम के अलावा रेड ग्राम और जितने भी वेजिटेशन हैं, हर प्रकार के वेजिटेशन को ये अफेक्ट करता है. जस्ट लाइक हेलिकोर्पा आर्मेजेरा मक्का में भी अटैक करता है, सनफ्लावर में भी, ग्राउंड नट, टोमेटो, पोटैटो, बैंगन, ब्रिंजल, ओकरा, हर क्रॉप में ये अटैक करता है. गाइस, ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है. जहाँ भी लेगमिनस क्रॉप खेती होती है वहाँ हर जगह हेलिकोवर्पा पाया जाता है. हेलिकोवर्पा आर्पिजेरा पाया जाता है. इसका आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से है. इसका एक जो है, एग्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड क्रीमी वाइट इन कलर. ये जो होते हैं सिंगल सिंगली एग देते हैं पोड के ऊपर में, फली के ऊपर. गाइस, एडल्ट मोथ जो होता है वो लाइट पेल ब्राउनिश कलर के होते हैं. उनका स्टाउट मोथ होता है. पैरलिड मोथ की तरह इनका भी जो माउथ होता है स्टाउट होता है. और फोर विंग जो होते हैं इनके अग्रजोड़ी पंख ग्रे कलर के होते हैं या फिर पेल ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, जिन पे वी शेप्ड स्पेक्स होते हैं, दैट मीन्स स्पॉट्स होते हैं. हाइंड विंग्स आर पेल स्मोकी वाइट विथ अ ब्रॉड ब्लैकिश आउटर मार्जिन. और जो एडल्ट फीमेल होती है वो सिंगली अंडा देते हैं, सिंगल अंडे पोड के ऊपर में. लार्वा शोज कलर वेरिएशन फ्रॉम ग्रीनिश टू ब्राउन. अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से जो लार्वा है उनका कलर अलग अलग होता है. बट उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू हम पहचान सकते हैं. जस्ट लाइक इनका जो कलर है ग्रीन विथ डार्क ब्राउन ग्रे लाइन लेटरली ऑन द बॉडी विथ लेटरल वाइट लाइन एंड ऑल्सो हैज़ डार्क एंड पेल बैंड. उसमें उनके बॉडी पे डार्क या फिर पेल बैंड्स होते हैं. इनका जो प्यूपा होता है वो ब्राउन कलर का होता है और ये अर्दन प्यूपा बनाते हैं, मिट्टी में प्यूपा बनाते हैं. गाइस, डायग्राम पे देख सकते हैं एक ये है एक और लार्वा और एडल्ट. एक लार्वा और एडल्ट देख सकते हैं. उसके अलावा बीन का सीड किस तरह से अफेक्ट होता है इसका ही पिक आप देख सकते हैं. गाइस, अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो एडल्ट फीमेल सिंगली अंडे देती है पोट के ऊपर में, जो कि येलोइश कलर के होते हैं. और एग का हैचिंग लगभग 2 से 4 दिन में हो जाता है. एक फीमेल पूरे अपने जीवन काल में लगभग 300 से 400 अंडे देती है. और 3 से 4 दिन में अंडे का हैचिंग होने के बाद में लार्वा लगभग 20 से 25 दिन तक पोड पे फीड करता है. और इन 25 दिनों में लगभग 5 इंस्टार कंप्लीट करने के बाद वो प्यूपेशन में चला जाता है. इनका प्यूपल पीरियड लगभग 6 से
21 दिन का हो सकता है। गाइस हेलिकोप्टर आर्मेजेरा का टोटल लाइफ साइकिल लगभग 30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। दिस इज अ प्यूपा ऑफ हेलिकोप्टर आर्मेजेरा। अब नेचर ऑफ डैमेज, द यंग कैटरपिलर फीड ऑन द टेंडर फॉलीज एंड एज दे ग्रो दे बोर इन टू द पोड एंड डिस्ट्रॉय द सीड्स। जो यंग लार्वी हैं फलियों को पहले खुरच कर खाते हैं, बाद में उसमें छेद कर अंदर घुस जाते हैं और सीड्स को खाना स्टार्ट करते हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली स्टेज में डिफोलिएशन दिखाई देता है, दैट मीन्स अर्ली स्टेज फ्रूटिंग से पहले के स्टेज में हेलिकोवर्पा आर्मी जरा जो इंसेक्ट है वो पत्तियों को खा के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। लार्वा हेड अलोन थ्रस्ट इनसाइड द पोड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी हैंगिंग आउट। इनका जो लार्वा अगर बड़ा साइज का होता है, पोड बन चुके होते हैं, उस कंडीशन में इसके लार्वे का सिर्फ सिर वाला हिस्सा पोड के अंदर होता है, बाकी पूरा शरीर पोड से बाहर लटका हुआ होता है। इनके मैनेजमेंट के लिए क्योंकि ये सिर्फ रेड ग्राम ही नहीं हर प्रकार के लेगमिनस क्रॉप का मेजर पेस्ट है, इसीलिए इनके कंट्रोल के लिए हमें आईपीएम के टैक्टिक्स अपनाने बहुत ज़रूरी है। इनिशियल क्रॉप ग्रोथ स्टेज में हमको कंट्रोल करने के लिए डीप समर प्लोइंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रॉप रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि इनके लिए अनफेवरेबल होते हैं, जस्ट लाइक ज्वार, ब्लैक ग्राम, होर्स ग्राम या फिर ड्राई पैडी, ये सारे के सारे अनफेवरेबल होते हैं, लेस फेवरेबल होते हैं इनके लिए। गाइस नेक्स्ट है राइजिंग इंटरक्रॉप्स। राइजिंग इंटरक्रॉप्स में हम कुछ यूज़ करते हैं जो कि नॉन होस्ट प्लांट होते हैं या फिर ऐसे क्रॉप्स जो कि नेचुरल एनिमीज को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, जस्ट लाइक रेड ग्राम के बीच में ज्वार या इस तरह से कुछ अदर क्रॉप्स हैं मस्टर्ड, कोरिएंडर, इस तरह के क्रॉप जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम टॉलरेंट वेराइटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेंट वेराइटीज़ जस्ट लाइक LRG41 या ICPL332, इस तरह के वेराइटीज़ जो हैं टॉलरेंस होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स कम अटैक करते हैं। नेक्स्ट है क्लिपिंग ऑफ ट्विग टर्मिनल ट्विग अप टू ऑन फीट। टर्मिनल ट्विग का क्लिपिंग करने से जो अर्ली स्टेज में इन्फेस्टेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनके लिए एग लेइंग साइट नहीं होती, इसलिए इस कंडीशन में उनका रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज में हम फेरमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट, ये जो मोथ है, इनका एडल्ट नॉकटर्नल होता है, रात में निकलता है और लाइट के प्रति अट्रैक्ट होता है, इसलिए हम लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस या फिर BT फॉर्मुलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक EPN एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिवेरिया बेसियाना जो एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल शेकिंग ऑफ रेड ग्राम प्लांट एंड कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्वे, ये भी एक अच्छा उपाय है मैकेनिकल तरीके से। उसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्लोरपायरीफास या क्विनालफास या एसीफेट या फिर कुछ अदर इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक इंडोक्शा कार्प या फिर स्पाइनोजेट। गाइस इनका रिकमेंडेड डोज में हमको स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट इंसेक्ट है रेड ग्राम प्लूम मोथ। प्लूम मोथ ये भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के ही मेंबर है, टेरोफोरेटी फैमिली के। इनका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये जितने भी रेड ग्राम ग्रोइंग एरियाज हैं, जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मेनली
मध्य प्रदेश। इनका अपेरेंस जो है ये काफ़ी छोटे साइज के इंसेक्ट होते हैं, ये लगभग 12 मिलीमीटर लंबे, दैट मीन्स 1.2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। मोथ सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इनका जो विंग है ये ग्रेइस कलर का होता है। फोर विंग्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड हाइंड विंग्स इनटू थ्री पार्ट एंड प्रोवाइडेड विथ फ्रिंग्ड लाइक बॉर्डर। इनके विंग्स में फ्रिंग्ड बॉर्डर होता है। अ फुली ग्रोन कैटरपिलर इज़ अबाउट 12 mm लॉन्ग, ग्रीनिश ब्राउन एंड आर फ्रिंग्ड विथ शॉर्ट हेयर एंड स्पाइंस ऑल ओवर द बॉडी। दिस इज द पीक ऑफ रेड ग्राम प्लूम मोथ। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो इंसेक्ट्स जो है प्लूम मोथ बहुत ही छोटे सिंगल अंडे देते हैं फ्लावर बर्ड्स या फिर पोड्स के ऊपर में। इनका जो एक पीरियड है ये 4 से 5 दिन का होता है। लार्वा लगभग 25 दिन में, 20 से 25 दिन में लार्वा 6 इंस्टार कंप्लीट करती है। उसके बाद में ये प्यूपेशन में, पोड के अंदर ही प्यूपेशन में चले जाते हैं। प्यूपेशन इज़ ऑन पोड सरफेस और बरोज इन इन्फेस्टेड पोर्ट्स, दैट मीन्स ये इन्फेस्टेड पोर्ट के अंदर ही या फिर उसके जस्ट बाहर में प्यूपेशन में चले जाते हैं। प्यूपेशन इज ऑल्सो फ्रिंग्ड एंड शॉर्ट हेयर्स। प्यूपल पीरियड इज ऑफ अबाउट 4 to 8 days एंड टोटल लाइफ साइकिल इज अबाउट 40 days। नेचर ऑफ डैमेज। पोट के फली के ऊपर दिए हुए अंडे या फिर फ्लावर के ऊपर दिए हुए जो अंडे होते हैं उसमें से न्यूली हैच लार्वी न्यूली हैच कैटरपिलर पोट को स्क्रैप करके, उसके पोट के सरफेस को स्क्रैप करके उसमें एक छोटा सा होल बनाते हैं और उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद में सीड को पूरी तरह से फीड करते हैं, सीड को नष्ट कर देते हैं। ये इंसेक्ट ग्रीन सीड को फीड करते हैं, सॉरी ग्रीन पॉड के अंदर में बन रहे सीड को फीड करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इनके सिम्टम्स हमको स्मॉल होल के रूप में दिखाई देता है सीड के ऊपर, सीड के ऊपर या फिर पॉड के ऊपर हमको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, स्मॉल होल्स दिखाई देते हैं। और अगर अंदर से उसको खोल के देखें तो पूरे जिस पोर्ट में छेद होता है उसके अंदर के पूरे सीड इनके द्वारा खा लिए गए होते हैं। इनके कलेक्शन इनके मैनेजमेंट के लिए हमको कैटरपिलर को कलेक्ट करके फिजिकली मारना चाहिए। इसके अलावा कुछ पैरासिटॉइड्स जो हैं जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा, उनको हम फील्ड में रिलीज कर सकते हैं। फोलेज स्प्रे कर सकते हैं हम क्विनॉल फोस या फिर कॉर्बोरिल का। नेक्स्ट है रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई, मेलानोग्रामाइजा ऑब्टुसा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली एग्रोमाइजिडी। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो इंसेक्ट हैं ये जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप ग्रोइंग एरियाज हैं हर जगह पे पाए जाते हैं। ये रेड ग्राम, सोयाबीन, काउपी एटसेट्रा के बहुत ही मेजर पेस्ट हैं। इसके अलावा ये सोरघम, काउपी, सैफ्लावर, सनफ्लावर, ओकरा एटसेट्रा में अल्टरनेट होस्ट के रूप में सर्वाइव करते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में लगभग 80% डैमेज, हर क्रॉप में लगभग 80% डैमेज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका आक्रमण होता है। सेंट्रल इंडिया और कर्नाटका, साउथ इंडिया में इनका जो अटैक है ये नॉर्मल होता है, बट ये लेगुमिनस क्रॉप के मेजर पेस्ट के रूप में सामने आते हैं। इनका जो अपीयरेंस है, एडल्ट इज़ अ ब्लैक फ्लाई विथ स्ट्रॉन्ग लेग एंड ओवेट एब्डोमेन। इट्स आई आर डिस्टिंक्ट, विंग्स आर क्लियरली वेन्ड। इनका जो विंग्स है, बिकॉज जो डिप्टेरा ऑर्डर के जितने ही मेंबर्स होते हैं इनका विंग वेनेशन क्लियरली दिखाई देता है।
मैगट इज क्रीमी वाइट इन कलर, मैगट जो है क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। दिस इज द एडल्ट एंड दिस इज द मैगट एंड प्यूपा। इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो स्मॉल ब्लैक फ्लाई थ्रस्ट इट्स माइन्यूट एग इन टू द टिश्यू ऑफ द टेंडर पोड एंड फ्लावर बर्ड्स। ये जो इंसेक्ट है वो अपने ओविपोजिटर की मदद से अंडे को टिश्यू के अंदर, टेंडर पोड या फिर फ्लावर बर्ड के टिश्यू के अंदर इंजेक्ट कर देती है, और लगभग 3 दिन के बाद में उस अंडे का हैचिंग होता है, जिससे कि लार्वा निकलता है और पोड को खाना स्टार्ट करते हैं। लार्वल पीरियड लगभग 8 से 10 दिन का होता है। फुली ग्रोन मैगट 8 से 10 दिन के लिए प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका जो टोटल लाइफ साइकिल है लगभग 25 से 30 दिन का होता है। नेचर ऑफ डैमेज, टीनी मैगट्स बरो इन टू पोड्स एंड फीड ऑन यंग सीड्स इन अफेक्टेड पोड। नो विजुअल सिम्टम्स आर ऑब्जर्व रिगार्डिंग इट्स एंट्रेंस। इनिशियल लार्वा बोर्स इन टू एपिडर्मिस विदाउट रिपर्चिंग द सीड कोट। इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज द लार्वे बोर्स इन टू कॉटलीडंस एंड इन मोस्ट इंस्टेंस वन सीड इज सफिशियंट फॉर द मैगट टू कम्प्लीट इट्स डेवलपमेंट। इस इंसेक्ट का लार्वा इतना छोटा होता है कि एक ही बीज इनके पूरे लाइफ साइकिल लार्वल स्टेज को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त होता है। द फाइनल इंस्टार लार्वा लीव्स द सीड प्यूपेट्स आइदर इन द पोड कैविटी और इन द पोड वॉल टिश्यू। ये पोड के अंदर ही प्यूपेशन में चले जाते हैं और एडल्ट बन के बाहर निकलते हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्टेड पोड जो होता है वो डिसकलर्ड होता है। एट द लेटर स्टेज ऑफ इन्फेस्टेशन द होल अबाउट 1 mm इन डायमीटर कवर्ड विथ थिन मेम्ब्रेन रेडली सीन इन द इन्फेस्टेड पोड। द एग्जिट होल विजिबल आफ्टर द एडल्ट एमर्जेंस। एडल्ट के निकलने के बाद हमको एग्जिट होल आसानी से दिखाई देता है। गाइस, इनके मैनेजमेंट के लिए हमको अर्ली सोइंग करनी चाहिए। उसके अलावा अफेक्टेड पोर्स जो हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। उसके अलावा प्री प्यूपल स्टेज में कुछ पैरासाइट हैं, पैरासिटॉइड हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फोलियर स्प्रे, मोनोक्रोटोफास या डाइमेथोएट का हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा एंडोसल्फान का स्प्रे किया जाता था, बट एंडोसल्फान अब पूरी तरह से बैन हो चुका है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन है डाइमेथोएट का या मोनोक्रोटोफास का, कुछ इस तरह के इंसेक्टिसाइड को, ऑर्गेनोफास्फेट ग्रुप के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेम फ्लाई। स्टेम फ्लाई जो इंसेक्ट है गाइस, ये भी रेड ग्राम का एक मेजर पेस्ट है। ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली एग्रोमाइजिडी का मेंबर है। ये स्टेम में अटैक करता है और स्टेम में गाल बनाते हैं। एक साथ थ्रस्ट इनटू टेंडर पार्ट ऑफ द स्टेम मैगट टनल्स द स्टेम एंड फीड ऑन द इंटरनल कंटेंट। ये स्टेम के अंदर टनल्स बनाते हैं और उसके इंटरनल कंटेंट्स पे फीड करते हैं। गाइस, ये है स्टेम फ्लाई। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको रेजिस्टेंस वैराइटीज या फिर टॉलरेंस वैराइटीज का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हम कार्बोसल्फान से सीड को ट्रीट करके सोइंग कर सकते हैं। इसके अलावा फोलियर स्प्रे कर सकते हैं मोनोक्रोटोफास या फिर एसीफेट का। नेक्स्ट है स्पॉटेड पोड बोरर। स्पॉटेड पोड बोरर मेरुका विट्राटा। मेरुका विट्राटा ऑर्डर लेप्टोप्टेरा फैमिली पैरिडी के मेंबर होते हैं। ये भी नॉक्टर्नल मोथ होते हैं। इनका जो कलर है डार्क ब्राउन कलर के फोर विंग्स होते हैं। मध्यम आकार के मीडियम साइज इंसेक्ट होते हैं। मीडियम साइज मोथ हैं जिनका साइज लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर विंग स्पैन के साथ में हो सकता है। इनका जो कैटरपिलर होता है उसमें बहुत ही बारीक छोटे छोटे हेयर्स होते हैं।
ये मेरुका विटराटा का डायग्राम है जिसे देख सकते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको क्लोरोफायरफास या क्विनॉल फॉस या फिर नोवल्यूरॉन या स्पाइनोजेड या लैम्डा साइहलोथ्रिन, इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है रेड ग्राम पोड बग। रेड ग्राम पोड बग बग एक हेमिप्टेरॉइड इंसेक्ट्स है, फैमिली कॉरिडी के मेंबर हैं। हंड्रेड्स ऑफ निम्स एंड एडल्ट सक से फ्रॉम सूट एंड पोड। ये बहुत ही छोटे छोटे बग्स होते हैं जो कि एक ही स्टेम में, एक ही शूट में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। उस इनके द्वारा इन्फेक्टेड प्लांट्स जो होता है उस पे उसके पोर्स पे, इन्फेक्टेड पोर्स पे ब्लैक स्पोर्स बन जाते हैं। शेडिंग ऑफ ग्रीन पोर्स, पुअरली फिल्ड पोर्स विथ सीवेल्ड ग्रेन्स इनसाइड। इनके द्वारा इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं उसमें ब्लैक स्पोर्स बन जाते हैं, ग्रीन पोर्स जो है पूरे झड़ जाते हैं, और जो भी पोर्स बचे हुए होते हैं उसमें बीज नहीं बनते, उसमें ग्रेन नहीं बनते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ पोड बग। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको फिजिकल कलेक्शन कर इनका डिस्ट्रक्शन करना चाहिए, और इसके अलावा हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं डाइमेथोएट का या फिर मोनोक्रोटोफास का। इनका जो आइडेंटिफिकेशन है कुछ इस तरह से देख सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।